पहुंचने वाले हैं भाई लोग, पहुंचने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि बाद में पार्क की तरफ बना दे इसको, ताकि लड़का लड़की लोग थोड़ा सा बैठ के बात कर सके यहाँ पे। तो क्या हाल है दोस्तों? तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया शायद, तो चलो यार लाइट दे देते, थोड़ा सा हमको भी बोरा दिखना है। तो आज मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के मतलब फिशरी पे, तो उन लोगों का बहुत ही बड़ा फिशरी है, तो दो तीन तालाब है बहुत ही बड़ा बड़ा, तो उसको देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसे वो लोग ये मछली वगैरह ये पालते हैं, तो थोड़ा सा देख के आते, क्या बोलते हो? मेरे साथ है ये गाड़ी, तो इसके साथ हम जाएंगे। पहुंचने वाले हैं भाई लोग, पहुंचने वाले हैं। तो पहुंच गया हूं मैं इधर, देखो कितना बड़ा है, और इसके पीछे भी है। ये है मालकिन और ये वो है बहन सिस्टर है, पीछे की तरफ जो है वो बहुत ही बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो बहुत ही लंबा है, मतलब ये के बीघा से दो दस, तो ये है 10 बीघा का तालाब, बहुत ही लंबा। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि बाद में पार्क की तरफ बना दे इसको, ताकि लड़का लड़की लोग थोड़ा सा बैठ के बात कर सके यहाँ पे। मैं टिकट आंग टिकट दान रह जाऊँगा, देखे मैं गेटमैन बन के रह जाऊँगा इधर, टिकट काटने वाला और ही बड़ा है वो मुंचिकनी संग दरबाने खबर कुछ तो जाए अभी माँ बा हम बा इन थो, तो बहुत बड़ा है, तो एक राउंड मारने पर पेट कम हो जाएगा मेरा तो इधर है ये सब खेती बाड़ी, अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया है। और ये जो साइड साइड में है सुपारी का पेड़ लगा के रखा है, वो देखो सब जा रहे हैं, सब छोटा सब देख रहे हो ना। ना सिला दे तो मछली खा रहा है सब बेचारा, खाने दो एक ही तो खा रहा है ना ये किनारे किनारे पूरा सुपारी का पेड़ है, ये जब बड़ा होगा तब और भी अच्छा लगेगा। ये जो है तो यहाँ पे कुछ लगा के रखा है, ये आप स्ट्रिंग देख रहे हो ना, तो ये स्ट्रिंग मतलब जो कि मतलब ये चिड़िया ये सब मतलब मछली खाने आता है ना, तो उन लोगों से बचाने के लिए है ये, तो सेफ्टी के लिए है ये, इसे बहुत सारा लगा के रखा हुआ है। ये एक देखो छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है देखने में, तो पूरा उधर रखा है उधर तक। मतलब शाम के टाइम में यहाँ पर आके बैठने से मतलब सुकून मिलेगा ना, और ही बढ़िया लगेगा, हाँ फ्रेश फ्रेश हवा इधर है, ना कि धुआं है ना क्या है, बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। बस थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि सांप ये सब है, जब ये मतलब सुपारी का पेड़ जब बड़ा होगा ना तब और भी अच्छा लगेगा, मतलब एक शो बनेगा, मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लगेगा। इधर भी है, इधर वाला तो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये जो है तो अभी तक नहीं लगा है, इधर फेंसिंग देगा शायद। तो
यहाँ तक आते आते लग गया है 3 मिनट, 3 मिनट लग गया यहाँ तक। तो अभी ये सब थोड़ा सा साफ है तो इसलिए इतना मतलब ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग। ये जो सीनरी है मुझे अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। तो बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा तालाब है जो कि हमारे मतलब पास में, इतना बड़ा मतलब एक साथ 10 बीघा का ये तालाब तो है नहीं, नहीं देखा मैं अभी तक। तो छोटा छोटा है, छोटा छोटा करके बहुत मतलब बहुत सारा है लोगों के पास, लेकिन एक साथ मतलब 10 बीघा का ये 10 एकड़ का जो है तो बहुत ही दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और इधर एक छोटा सा है, सब इन्हीं का है, सब इन्हीं मालिक का है। अच्छा नहीं माँ बाखा माना माँ ना पिसा माँ बाखा ने अच्छा। अगर किसी को चाहिए तो ये जो मछली छोटा वाला है, क्या बोलते है? पता नहीं, अगर हाँ फिशरिंग है, अगर किसी को ये ना छोटा छोटा चाहिए तो मतलब पालने के लिए, तो कांटेक्ट कर सकते हो उसको। मैं उसका जो पेज का यार फेसबुक का जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अगर चाहिए तो मछली, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है घूमने के लिए। और इधर कुछ है, कुछ लगा है, आप लोग देख सकते हो क्या क्या लगा के रखा है इधर। ये आप लोग देख लीजिए क्या क्या है इधर। तो पूरा का पूरा इस्तेमाल करके रखा है लैंड का, ऐसे ही नहीं मतलब जाया नहीं हो रहा है, तो अच्छा है। हमें जो भी है अपने पास सबको मतलब अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ का मैंने देख लिया, तो और एक जो दूसरा है रास्ते के किनारे तो वहाँ पे जाएंगे अभी, वहाँ पे भी देख लेंगे क्या क्या है वहाँ पे, क्या नहीं है। तो ये वाला तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बड़ा है ये, और ये वाला थोड़ा सा छोटा है क्योंकि अभी बारिश नहीं है तो पानी थोड़ा सा कम लग रहा है हमको यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पानी अच्छा खासा है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है। तो अभी चलते हैं रास्ते के किनारे, और रास्ते के इधर तो है तालाब, और उस पार है टी का बागान है, सबलाई बागान जो कहते हैं। ये है अपना टी का बागान, टी का बगीचा जो कि बहुत ही बड़ा है। लगभग 12 एकड़ का तो हो गई, 12-13 ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, जो मतलब देख के अंदाज़ा लग रहा है। तो अभी चलते हैं हम रास्ते के किनारे वाले तालाब में, चलो चलो आप लोग भी देखते रहिए। आ गया हूँ हम रास्ते के किनारे वाला ये तालाब में। तो ये वाला थोड़ा सा सूखा रहा है, मतलब मछली पकड़ रहा है यहाँ पे, तो उधर मशीन लगा के रखा है, और ये है इसका सोलर। माने जिथिं सान्दुं इथिं खामना दोनो आरो नामा? अच्छा गलती हो गया, बेचारा गिर गया था, लेना चाहिए था हमें, लेकिन मैं नहीं ले पाया हूँ, गलती हो गया। वो है सोलर, तो जिधर मतलब जिधर से मतलब ये सनलाइट पड़ता है उधर मतलब उधर ये करके रखता है उसको, जब भी सूखेगा मतलब मछली पकड़ेगा यहाँ पे, तो पकड़ने के लिए आऊँगा इस बार मैं। तो यहाँ पे भी 10 एकड़ का है, बहुत ही बड़ा है ये भी। अभी तो पानी सूखा रहा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो अभी भी लगा के रखा है तो पानी जा रहा है, ये तालाब से पानी जा रहा है, तो लगभग सूख गया है।
और भी बहुत सारा पानी है यहाँ पे। अच्छा तो पानी इधर जा रहा है। तो आप लोगों को अगर चाहिए छोटा छोटा मछली पालने के लिए अगर चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छा लगा आके, तो से हेलो टाटा बाय बाय। तो यही है मालकिन। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो कल शायद मैं मछली पकड़ने के लिए आ भी जाऊँ यहाँ पर, तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर मैं फ्री हूँ तो फ्री रहूँगा तो मछली पकड़ने के लिए आ जाऊँगा। तो बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो पर। टाटा बाय बाय। टप के लिए।